नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में लोकसभा चुनावों में प्रचंड जीत, सीएम धामी ने कहा पार्टी को कहां पर और काम करने की जरूरत, उसकी की जा रही समीक्षा। चारधाम मार्ग पर बस दुर्घटनाओं को लेकर सीएम धामी चिंतित, सीएम धामी ने एम्स जाकर घायलों का जाना हाल, जांच के लिए संभागीय परिवहन अधिकारी पौड़ी के नेतृत्व में लीड एजेंसी रवाना, बस दुर्घटनाओं को लेकर चिंतित। सीएम योगी मां से मिलने ऋषिकेश एम्स पहुंचे, 20 मिनट तक रहे साथ, उत्तराखंड हादसे के पीड़ितों से भी की मुलाकात। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का 2 दिवसीय उत्तरकाशी दौरा, जल उत्सव कार्यक्रम में लिया भाग, कहा आने वाली पीढ़ी के लिए हमें पानी और पर्यावरण को बचाने की चलानी पड़ेगी मुहिम। गंगा दशहरा आज, घाटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब, पवित्र नदी में लगाई डुबकी, दान पुण्य का चल रहा दौर, मान्यता के अनुसार गंगा का आज के दिन धरती पर हुआ था अवतरण। और खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर तीसरी बार लगातार भाजपा को प्रचंड जीत हासिल हुई है। इसके बाद भाजपा अपने कार्यकर्ताओं और चुनाव प्रबंधन समिति के तहत काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक कर रही है। भाजपा की इन 2 दिवसीय बैठक में किन किन विधानसभा सीटों में अच्छा प्रदर्शन हुआ है और कहाँ पर पार्टी को और काम करने की जरूरत है, इसको लेकर समीक्षा की जा रही थी। बैठक में उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक को लेकर कहा कि चुनाव प्रबंधन पूरे चुनाव में एक प्रमुख कार्य होता है, इसमें हमारे जो प्रमुख कार्यकर्ता प्रमुख पदाधिकारी थे, उन्होंने अलग अलग विभागों में पूरे चुनाव प्रबंधन को सफल बनाने का काम किया है। चुनाव प्रबंधन क्योंकि हमारा एक बहुत प्रमुख कार्य पूरे चुनाव का होता है और इसमें हमारे सभी जो प्रमुख कार्यकर्ता थे, प्रमुख पदाधिकारी थे, उन्होंने अलग अलग विभागों में पूरे चुनाव प्रबंधन को सफल बनाने का काम किया है। और आगे चूंकि हमारे बहुत सारे कार्यक्रम पार्टी के होने, सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम हैं, उन सभी में सबकी सहभागिता होनी, हमारा सरकार और संगठन सब मिलकर आगामी कार्यक्रमों को भी सफल बनाएंगे। जो हमारे सामने आने वाले चुनाव हैं, उन चुनावों में भी हमारा संगठन अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। हमारे पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, सारे लोगों ने काम किया है, उनके माध्यम से हम सबको धन्यवाद भी करते हैं, उन सबको शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। रुद्रप्रयाग में शनिवार को हुई बस दुर्घटना और हाल के दिनों में चारधाम यात्रा मार्ग पर हुई अन्य बस दुर्घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरी चिंता व्यक्त की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री के निर्देशों पर बस दुर्घटना की जांच के लिए संभागीय परिवहन अधिकारी पौड़ी के नेतृत्व में लीड एजेंसी को रवाना किया गया। वहीं दुर्घटना की मजिस्ट्रियल जाँच पृथक से की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश एम्स जाकर घायलों का उन्होंने हाल जाना और डॉक्टर से मिलकर उनके उचित इलाज की बात की। तो वहीं इस क्रम में बता दें कि सीएम ने अफसरों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी विभाग के अधिकारी द्वारा दायित्व निर्वहन में शिथिलता पाई गई तो संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माताजी पिछले कई दिनों से ऋषिकेश स्थित एम्स में उपचार उनका जारी है। उन्हें इलाज के लिए एम्स में भर्ती करवाया गया था। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सड़क हादसे में घायल हुए लोगों से उनका हालचाल जानने एम्स पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माताजी का कुशल क्षेम भी जाना और अस्पताल प्रशासन को हर संभव इलाज करने की हिदायत दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह
खबर सीमांत जिला उत्तरकाशी से है, जहां कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल दो दिवसीय दौरे पर उत्तरकाशी में हैं। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी के लिए हमें पानी और पर्यावरण को बचाने की मुहिम में जुटना होगा। शहरी विकास, आवास, वित्त, विधायी एवं संसदीय कार्य पुनर्गठन, जनगणना मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जल संरक्षण अभियान के अंतर्गत बग्याल गाँव में आयोजित जल उत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने पौधारोपण और बीज फेंक कर पानी और पर्यावरण संरक्षण की गतिविधियों में सभी लोगों से व्यापक स्तर पर सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया। इस प्रकार से हमारी प्रदेश सरकार ने 10 तारीख से 16 तारीख तक इस सप्ताह को मनाने का निर्णय लिया। आज मैं इस उत्तरकाशी के स्थान पर उपस्थित हूँ। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ की महिलाएं बहुत जागरूक मुझे दिखाई दे रही है, यहाँ की बहुत दिखाई दे रही है। और वैसे किसी जानकार ने कहा है कि तीसरा विश्व युद्ध यदि होगा तो जल पे होगा, यानी कि आने वाला कल जो है जल के संकट के लिए कुछ भी हो सकता है। तो हमारी सरकार चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की सरकार हो, इसके लिए अभी से जागरूक है, अनेकों अभियान चला रही है। केंद्र में आपने देखा जल जीवन मिशन के माध्यम से अनेकों योजनाएं संचालित है। चमोली जिले के गढ़वाल लोकसभा से भाजपा के नवनिर्वाचित सांसद अनिल बलूनी के गोपेश्वर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। बीजेपी कार्यालय गोपेश्वर में आयोजित प्रेस वार्ता में गढ़वाल सांसद अनिल ने कहा कि चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे उनके द्वारा किए गए थे वे सभी पूरे होंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन क्षेत्र में हुए काम करेंगे। जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उन पर काम करना सोचा है। आप लोगों को ध्यान होगा कोटद्वार में आईसीयू बनाना, उत्तरकाशी में आईसीयू बनाना, और अभी भी मेरी सांसद निधि का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए गया है। और स्वास्थ्य सुविधाओं पर काम करना मेरे रुचि का भी है और मुझे लगता है जनकल्याण के लिए जरूरी भी है। आप मान के चलिए कि गोपेश्वर में जितनी भी मांग है, चाहे हमारा जो स्वास्थ्य सुविधा हो उसको बढ़ाने की बात हो, अस्पताल के उच्चीकरण की बात हो, मेडिकल कॉलेज की बात हो, जितने भी विषय हैं इन सब पर हम विचार कर रहे हैं। संपूर्ण क्षेत्र की सुख समृद्धि, खुशहाली और अनेक देव एवं वायु कष्टों के निवारण तथा अपने पारंपरिक विविध संस्कृति से युवा पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक की ग्राम सभा पमदा में 11 दिवसीय एड़ी देवता का जागर का शुभारंभ किया गया। रविवार प्रातः सभी देव डांगरों ने रामेश्वर घाट में सरयू और रामगंगा नदी के पवित्र संगम पर गंगा स्नान किया। तदोपरांत पूरे विधि विधान के साथ धूनी पर गोदान कर 11 दिवसीय जागर का शुभारंभ किया गया। संपूर्ण क्षेत्र की खुशहाली, सुख समृद्धि एवं अनेक वायु कष्टों एवं देव कष्टों के निवारण हेतु आज से ग्राम सभा पमदा में एड़ी देवता का 11 दिवसीय जागर लगाया जा रहा है। मेरा समस्त क्षेत्रवासियों से अनुरोध है कि इसमें आप बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग करें और इसको सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। रोईवाला के जौली ग्रांट क्षेत्र में बीती रात चंदन तस्करों ने चंदन प्रजाति के हरी पेड़ों पर आरी चला दी। जब स्थानीय लोग पेड़ गिरने की आवाज सुनकर उठे तो चंदन तस्कर भाग खड़े हुए, लेकिन तब तक वो दो हरे पेड़ों को काट चुके थे। जौली ग्रांट निवासी नरेंद्र ने बताया कि उन्होंने अपने घर के पास कुछ चंदन प्रजाति के पेड़ लगाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि सुबह होते ही सूचना वन विभाग और स्थानीय पुलिस को दी गई। वन विभाग और पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। दो ढाई बजे की घटना है और रात को आए और ये पेड़ गिराए और दो तीन पेड़ गिरा दिए और कुछ पे आरी चलाई। काफ़ी आदमी थे और जब पेड़ गिरते हुए उठे हम तो फिर वो भागते हुए नज़र आ गए थे। हम करीबन 13-14 साल पुराने पेड़ थे और उन्हें काटने की कोशिश करी। चोरों के इतने हौसले बुलंद हैं कि वो रात को आके घर के पास में से ही पेड़ काट के ले जा रहे। इसमें करीबन कुल 8-10 पेड़ रहे होंगे जिसमें से दो एक पेड़ मैंने गिरा दिए और दो तीन पे आरियां चलाई चली गई। तो घटना को दिए वो आए हैं, देख के चले गए, वो अभी कोई आश्वासन नहीं दिया उन्होंने।
और चौकी को भी इंचार्ज किया था उन्होंने, और हमारे पार्षद साहब भी आए थे, उन्होंने देखा है, और अध्यक्ष साहब भी आए थे सागर बनो वाले, उन्होंने भी देखा है, उन्होंने कहा हम बात करेंगे कि चौकी में भी बात करेंगे ये कौन आ रहे हैं, इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि ये पेड़ों को रात को काट के ले जा रहे हैं, कल घर में से कुछ और सामान भी उठा के ले जाएंगे इस तरीके से। अब क्या चाहते हैं? इसे कार्रवाई की जाए, जो भी चोर ऐसे काम कर रहे हैं इनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि ये घर के पास से आके पेड़ काट के ले जा रहे हैं, इनके कड़ी कार्रवाई की जाए। आप नरसिंह राठौर पकड़ के जाए। सुप्रसिद्ध माँ पूर्णागिरी मेले की प्रशासनिक रूप से समापन की घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें कि 82 दिन चले इस मेले में लगभग 25 लाख श्रद्धालुओं ने माँ पूर्णागिरी के दर्शन किए। सरकारी विभाग के 500 के आसपास कर्मचारी इस मेला ड्यूटी में लगे रहे हैं। इस साथ ही इस मेले में प्रतिदिन 35 से 40 हजार तक श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। इस क्षेत्र में लगातार भंडारे चलते रहे। मेला क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था इस बार सबसे अच्छी बताई गई, साथ ही सफाई व्यवस्था भी काफी अच्छी रही। हमारा मेला 26 मार्च से चला था और 15 जून तक मेला प्रस्तावित था। आज उसकी औपचारिक रूप से घोषणा हो चुकी है। हमारे जिला पंचायत के उपाध्यक्ष ललित मोहन कुमार जी के द्वारा उसकी घोषणा की गई है और मेला इस बार बहुत अच्छा और भव्य रूप में चला। 2010 के बाद से मेला अब 2024 में जिला पंचायत के पास आया। जैसे आपको बताई थी कि 2010 में फॉरेस्ट के तहत जो है जिला पंचायत से मेला किया था और एक मेला संचालन समिति मैंने को कर दी थी और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पे और माननीय सचिव पंचायत राज के आदेश पे मेला जिला पंचायत के बाद पुनः जिम्मेदारी दी गई थी। इसके तहत 26 मार्च 2024 से मेला यह वर्ष 2024 का प्रारंभ हुआ और आज 15 जून 2024 को इस मेले के सरकारी व्यवस्था के समापन का कार्यक्रम अभी हमने जस्ट अभी पूरा किया है। उत्तराखंड क्रांति दल ने सरकार से उत्तराखंड को चीड़ मुक्त करने की मांग की है। यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष पूर्ण सिंह कठैत ने कहा कि चीड़ के कारण उत्तराखंड के कई स्थानीय वनस्पति विलुप्त अवस्था में पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने का मुख्य कारण चीड़ ही है। जंगलों में आग लगने से कई तरह की वनस्पतियां और जीव जंतु नष्ट हो रहे हैं। इसके कारण जंगली जानवर भी गाँव की तरफ रुख कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर चीड़ के पेड़ों को समाप्त किया जाए तो उत्तराखंड के कई वनस्पति अपने आप उग जाएंगे। लोगों ने एनजीओ तक भी खोल रखे हैं चीड़, जैसे उत्तराखंड को चीड़ मुक्त किया जाए। मूल वनस्पतियां चीड़ की वजह से बिल्कुल समाप्त हो गई हैं। जंगली जानवरों के लिए जो उनके खाने पीने के वृक्ष थे, काफुल, बेड़ू, टिमला, किनगोड, हिसार, ये सब उसके, क्योंकि इनके तो बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं, ये सब जो है चीड़ के नीचे चीड़ की आग की वजह से सब खत्म हो गए हैं। इसीलिए जंगली मनुष्य संबंधित जंगली जानवर जब आग लगती जंगली जानवर गांव की तरफ भाग रहे हैं। इसकी वजह से चीड़ की वजह से तो भगदड़ मची एकदम। जंगली जो वनस्पतियाँ उनमें भी तबाह हो चुकी है और जानवर, हम तो इंसानों के बारे में तो हमें पता चल रहा है लेकिन कितने जानवर जल जा रहे हैं आग में कोई पता है। रविवार को गंगा दशहरा पर्व को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। नगर में अलग अलग स्थानों पर कई सामाजिक संस्थाओं द्वारा राहगीरों को शिकंजी और शरबत का वितरण किया गया। वर्तमान में भीषण गर्मी में जहां एक ओर जनता बुरी तरह परेशान है तो वहीं गर्मी को लेकर सामाजिक संस्थाओं द्वारा किए जा रहे इस प्रकार के कार्यक्रमों को लेकर जनता ने भी उनकी जमकर सराहना की। पुरानी तहसील चौक पर पवन जैन और उनकी सहयोगियों के द्वारा आज शिकंजी वितरण का कार्यक्रम किया गया। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा पिछले 5 वर्षों से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भीषण गर्मी में बाजार में खरीदारी करने आ रहे लोगों को भी गर्मी के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में ये विगत 5 वर्षों से मैं ये शिकंजी का प्रोग्राम करता हूँ रामनगर में और इसी संदर्भ में आज भी शिकंजी बांटने का प्रोग्राम मैंने रखा है और जनता बड़े हर्षोल्लास के साथ मेरी शिकंजी पीती है। मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है। जब शुरू साल मैंने प्रोग्राम करा तो मुझे लोगों ने कहा कि आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम करा, तो मैंने मन बनाया कि ये जब तक मैं जिंदा रहूँगा मैं ये प्रोग्राम हर साल करता रहूँगा और अपने इस तरह से अच्छा प्रोग्राम करने की कोशिश करता हूँ मैं और जनता मुझे बहुत सराहना करती है, इसकी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे
विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में मां गंगा दशहरा के पावन पर्व पर आयोजन हुआ। आरती स्थल घाट पर राजा भागीरथी की डोली के साथ मां भगवती गंगे की पूजा अर्चना हुई, जिसमें स्थानीय देव डोली और हजारों की संख्या में गंगा भक्त मौजूद रहे। गंगा पुरोहित सभा की ओर से स्नान घाट पर सभी व्यवस्था की गई। आज के दिन राजा भगीरथ की जो मूर्ति है उसको लेकर हम गंगा तट पर जाते हैं। माँ भगवती की वो डोली को लेकर हम वहाँ पर गए राजा भगीरथ के साथ, और राजा भगीरथ ने अपने हाथों से बापति पावनी खाकर की आज पूजा की, जो के दिन आज के दिन माँ गंगा में आके स्नान करता है। ऐसा माना जाता है जो 10 पाप जिनका निवारण नहीं हो सकता है, आज के दिन स्नान करने से उससे मुक्ति और भक्ति की प्राप्ति होती है। नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश न होने से काश्तकार परेशान हो रहे हैं। इस बार सिंचाई का पानी भी उपलब्ध नहीं है, तो वहीं बारिश न होने से सिंचाई की नहरें सूखी हैं। नैनीताल से 10 किलोमीटर दूर क्षेत्रों में फसल चौपट है। काश्तकार ने कहा कि हमारी रोजी रोटी खेतों पर निर्भर है, स्कूल के बच्चों की पढ़ाई भी खेती पर निर्भर है, ऐसे में बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। ग्रामीण का कहना है कि इस बार की गर्मी अधिक है, अगर जल्द बारिश नहीं हुई तो किसानों को बड़ी परेशानी झेलनी होगी। वर्तमान में साइबर अपराधी आम जनता की गाढ़ी कमाई हड़पने के लिए अपराध के नए नए तरीके अपनाकर धोखाधड़ी कर रहे हैं। उत्तराखंड एसटीएफ ने ऐसे ही एक नाइजीरियन ठग को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। कुछ दिन पहले साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन उत्तराखंड को देहरादून निवासी एक महिला ने बताया कि फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क किया और अपने आप को अमेरिका का गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर बताकर दोस्ती की। इसके कुछ दिन बाद महंगे गिफ्ट और 25,000 अमेरिकी डॉलर को पार्सल से भेजने का प्रलोभन दिया। उसके बाद दिल्ली कस्टम विभाग का अधिकारी बनकर गिफ्ट और पैसों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न खातों में करीब 13,61,700 रुपये हड़प लिए। पौड़ी में गुमखाल और सतपुली के बीच कुल्हड़ मोड़ के पास एक मैक्स वाहन तड़के सुबह करीब 6 बजे अनियंत्रित होकर 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम सहित एसडीआरएफ घटना स्थल पर पहुंची। वाहन में 9 लोग सवार थे जो कोट द्वार पूजा में सम्मिलित होने जा रहे थे। एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर अत्यधिक विषम परिस्थितियों में सभी घायलों को स्ट्रेचर के माध्यम से मुख्य मार्ग तक पहुंचाया। उत्तराखंड के रामनगर में एक कार सड़क के 300 मीटर नीचे खाई में जा गिरी। गाड़ी में सवार लोगों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने सभी घायलों को गाड़ी से बाहर निकालकर रामनगर के सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने 2 बच्चों समेत 6 घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार करने के बाद उनकी हालत गंभीर होने के चलते उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, तो वहीं अस्पताल पहुंची पुलिस ने घायलों को परिजनों से घटना को लेकर जानकारी ली और जांच शुरू कर दी। डोईवाला लच्छीवाला रेंज के अंतर्गत डोईवाला के समीप केशवपुरी में एक रेस्टोरेंट में संदिग्ध मांस की शिकायत पर रेस्टोरेंट संचालक सनी थापा के रेस्टोरेंट में उनके डीप फ्रीजर की गहनता से जांच करने पर उसमें काली पॉलिथीन में सांभर का कटा हुआ मांस बरामद किया गया। मांस का सैंपल जांच हेतु भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून भेजे गए और अभियुक्त को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।